powder, curry leaves, and salt, jeera mori, tomato, green chilli, coriander, and hing. अब हम बनाना स्टार्ट करेंगे. अब हम दाल को कुकर में डाल देंगे और इसे अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे. इसे दो तीन बार वॉश कर लेंगे ताकि इसका पीलापन निकल जाए और ये अच्छी तरह से क्लीन हो जाए. अभी हमारी दाल धुल चुकी है. इसमें हम अब पानी ऐड करेंगे. इसमें हम 2 कप्स ऑफ पानी ऐड करेंगे. इसमें हम बॉईल करते वक्त हमें आधा छोटा चम्मच टर्मरिक पाउडर एंड 1/2 टीस्पून और 1 टीस्पून सॉल्ट ये ऐड करना है. हमें इसमें चिली ऐड करनी है. हमें इसमें टमाटो ऐड करना है. आधा टमाटो हम अभी ऐड करेंगे और आधा हम बाद में ऐड करेंगे उसमें. अब हम इसमें लहसुन ऐड करेंगे जो कि 12 से 15 कली है. ये हम इसका लहसुन करके इसको 3 सीटी आने तक प्रेशर कुक कर लेंगे. 3 सीटी हो चुकी है. ये हमारी दाल गल चुकी है. दाल अच्छी तरह से गल चुकी है. अब हम इसको तड़का देंगे और दाल को ज्यादा घोटना नहीं है. अगर ज्यादा घोटेंगे तो दाल का टेस्ट वो सही आएगा नहीं. लहसुन चाहिए जो कि 5 से 6 कली लिए हैं हमने. और जीरा मोरी चाहिए जो कि 1/2 टीस्पून जीरा है, 1/2 टीस्पून मोरी है. और ये हमने करी लीव्स लिए, करी पत्ता. हम इसको तड़का देंगे, पैन को गर्म होने देंगे. अब हम इसमें 2 to 3 टेबलस्पून ऑयल डाल देंगे. ऑयल अच्छी तरह से गर्म हो जाए तो हम इसमें जीरा मोरी डाल देंगे. इसको हम 1 मिनट के लिए लाल होने देंगे. उसके बाद हम इसमें हींग डाल देंगे. उसके बाद हम इसमें लहसुन डाल लेंगे. इसको अच्छी तरह से ब्राउन होने तक स्टर करते रहेंगे. अभी हमारे लहसुन ब्राउन हो चुके हैं और इसमें करी टमाटर पहले भी डाला हुआ है. इसमें हम अगर इस वक्त टमाटर डालेंगे उसका टेस्ट अच्छा आता है. टमाटर डालेंगे इसमें. मीडियम फ्लेम पे टमाटर को गलने तक पका लेंगे. फाइव मिनट हो चुके हैं कि टमाटर भी अच्छी तरह से गल गया है. अब हम इसमें अपनी दाल ऐड करेंगे. हम दाल को ज़्यादा पतली नहीं करेंगे और ज़्यादा हम दाल को घोटेंगे नहीं. ये हमेशा याद रखें कि दाल को पूरी तरह से गलने ना दें. अगर दाल गल जाती है पूरी तरह से तो टेस्ट अच्छा नहीं आता है.
हम अब इसमें कोरिएंडर ऐड कर देते हैं, थोड़ी सी हम गार्निशिंग के लिए बचा के रखेंगे। ये हमारी दाल पक चुकी है, अब ये दाल रेडी है, अब हम इसे सर्व करेंगे। दाल रेडी हो चुकी है, अब हम इसे कोरिएंडर से गार्निश कर देंगे। हमारी दाल रेडी है। अगर आपको इंग्रेडिएंट्स समझ में नहीं आए हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, और मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए।